तो अगर आपका भी माइनक्राफ्ट कुछ ऐसा चल रहा है तो इस वाली वीडियो में अब मैं जो सेटिंग्स बताने होंगे उन्हें करने के बाद आपका माइनक्राफ्ट कुछ ऐसा चलने लगेगा। एंड आप देख सकते हैं विदाउट लैग कुछ ऐसा चलेगा। इसका वजह दोबारा से आ गया माइनक्राफ्ट में आपके लिए कमाईदार एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तो आज वीडियो में आपको बताऊंगा अपने 2GB RAM, 3GB RAM और 4GB RAM के PC में माइनक्राफ्ट का लैग फिक्स कैसे कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को लास्ट तक मैं आपको अपने आपके माइनक्राफ्ट में 60+ FPS वाली गारंटी के साथ दूंगा। लेकिन आज की वीडियो को शुरू करने से पहले जो आज का शाउट आउट है वो जाता है आयोन्स इट्स को, निक्की वाईटी गेमर को, ईगो 123 को, GW प्रतीस, FF सरदार प्रसाद यादव को, सत्यवांशी कुमार को, मनीष शिवम गेमर को, पीयूष को, आई एम मॉन्स्टर को, कत्रांसो गेमर को। अगर मैंने किसी का नाम गलत लिया तो उसके लिए सॉरी। कोई चीज शॉर्ट आउट तो इस वाली वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख दो शॉर्ट आउट, अगली वीडियो में आपको शॉर्ट आउट मिल जाएगा। एंड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने भाई इससे पहले एक सर्वाइवल सीरीज का मेरे को एपिसोड अपलोड करना था, लेकिन भाई बाय मिस्टेक मेरे से उसकी फुटेज डिलीट हो गई। एंड मतलब आप ये कह सकते हो मेरे से उसकी पूरी वीडियो डिलीट हो गई। एंड उसमें मैंने कम से कम भाई 12 से 13 लोगों को शॉर्ट आउट दे रखा था। एंड उसके बाद मैंने उन कमेंट को मतलब डिलीट कर दिया था बाय मिस्टेक, भाई मैंने सभी कुछ डिलीट कर दिया। तो भाई वो सब लोगों की मेरे से भाई कमेंट चलेंगे, तो उसके लिए सॉरी। अगर आपने भाई कमेंट की थी शॉर्ट आउट के लिए और आपको इस वाली वीडियो में शॉर्ट आउट नहीं मिला, तो भाई आप समझ लो आपको उस वीडियो में शॉर्ट आउट मिला था लेकिन भाई वो वीडियो डिलीट हो गई। तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इस वाली वीडियो को कमेंट बॉक्स में लिख दो शॉर्ट आउट, अगली वीडियो में आपको मैं 100% भाई शॉर्ट आउट दे दूंगा। तो चलो फिर अब आते हैं हम इस वीडियो पे। 4GB RAM वाला PC है तो आपको भाई 90+ FPS भाई मिलने वाला है 100%। 3GB RAM वाला या फिर 2GB RAM वाला है तो भाई 60 FPS मिलेगा 60+ बिना किसी दिक्कत के। तो चलो फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं अपने मेरी PC स्क्रीन पे एंड फिर मैं आपको अपने सबसे पहले अपने PC के स्पेक्स दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं आ गया अपने PC के स्क्रीन पे। एंड यहाँ पे अगर मैं प्रॉपर्टीज में जाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भाई कौन सा भाई प्रोसेसर इस वाले PC में मतलब यूज हुआ है, जो कि i3 थर्ड जनरेशन वाला प्रोसेसर नहीं है। मैं आपको बता दूँ ये थर्ड जनरेशन से थोड़ा कम वाला T वाला प्रोसेसर है एंड इसमें 4GB RAM है एंड 380GB यूजेबल है। एंड ये 2GB RAM वाले हैं उनके लिए मैं एक्स्ट्रा सेटिंग बताने वाला हूँ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ सेटिंग्स। एंड मैं भाई इस वाले PC में बता GTA 5 जैसे बड़े गेम्स भी खेलता हूँ। एंड मेरे पास GTA 5 भी है जो कि 3DM करके ना, वही GTA 5 है, वो पायरेटेड है इसलिए उसकी इमेज कुछ ऐसी लग रही है, ठीक है। तो अब भाई आप आते हैं लिटरली अपने टॉपिक पर जो कि माइनक्राफ्ट। तो आपको करना है माइनक्राफ्ट पर राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर रन्स पे जो मिनिमम होगा ना विंडो नॉर्मल विंडो होगा उसे आपको मैक्सिमम कर देना है एंड अप्लाई करके ओके कर देना है, जिससे आपका भाई वो फुल यूजेस लेगा विंडो के, जिससे वो लैग नहीं करेगा। तो आपको करना है अपना ये माइनक्राफ्ट टी लॉन्चर वाला आपको उसे ऑन कर लेना है सिंपली। तो आप देख सकते हैं मेरा माइनक्राफ्ट ओपन हो गया है एंड बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए सॉरी। एंड अब आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको माइनक्राफ्ट के जो वर्जन है ना आपको वो वाला यूज़ करना है जो कि ऑप्टोफाइन वाला हो। आप लेटेस्ट कर सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन उसमें ऑप्टोफाइन होना चाहिए। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे कॉर्नर पे सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, उस पर क्लिक करके आपको सेटिंग वाले सेट आइकन पर क्लिक करना है एंड आपको ये वाली सेटिंग डिटो अपने में कर लेनी है अपने टी लॉन्चर में। एंड दोनों साइड ये टी लॉन्चर की सेटिंग कर लेनी है एंड वो माइनक्राफ्ट की थी वो भी मैंने आपको दिखा दी। तो आपको दोनों सेटिंग्स को कर लेना है एंड उसके बाद अब हम चलते हैं अपने माइनक्राफ्ट के इन गेम सेटिंग्स के तरफ। तो देखो लिटरली आपको माइनक्राफ्ट भाई बहुत लैग कर रहा है, तो आपको करना सबसे पहले आपको उसे पॉज करना है एंड फिर आपको यहाँ पे ऑप्शंस वाला ऑप्शन होगा उसमें जाना है। फिर आपको यहाँ पे मिल रहा होगा वीडियो सेटिंग, उस पर जाना है। फिर आपको सबसे पहले फर्स्ट से जो आपका ग्राफिक है ना उसे आपको सबसे पहले फास्ट कर लेना है, ठीक है। तो सब जो कि फास्ट जो कि सबसे लोएस्ट होता है तो आपको अपने वैसे फास्ट कर लेना है। उसके बाद आपको स्मूथ लाइटनिंग होगा तो ये मैक्सिमाइज हो सकता है, तो आपको ऑफ नहीं करना, आपको मिनिमम करना। ऑफ करोगे तो वही अच्छा नहीं लगता देखने में, ठीक है। डायनेमिक लाइट ऐसे आपको फैंसी रहने देना है एंड बस यहाँ पे आपको इतने करना है। आपको ये रेंडर चंक डिस्टेंस ना उसे 6 कर लेना है, नीचे वाले को 8 कर लेना है। इतना करने के बाद आपको ये मैक्स फ्रेम रेट अल्टीमेट है ना इसे आपको कुछ नहीं छेड़ना, इसे अल्टीमेट ही रहने देना है। एंटिटी शैडो है ना इसे आपको ऑफ कर देना है एंड फिर अटैक इंडिकेटर इधर पे आपको कुछ नहीं करना, डायनेमिक लाइट यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको। एंड नीचे कुछ ऑप्शन है उनके बारे में आपको बता दूँ। क्वालिटी में आपको जाना है एंड क्वालिटी में जाने के बाद बैटर ग्रास है ना इसे आपको ऑफ कर लेना है। तो इसे ऑफ करने के बाद आपको डन कर लेना। फिर आपको जाना है परफॉर्मेंस पे, परफॉर्मेंस पे जाके आपको यहाँ पे सब कुछ को ऑन कर देना है जिससे आपको परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा, इससे आपका माइनक्राफ्ट लैग नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये कर देना है। ये चंक अपडेट्स है ना इसे वही बनी रहने देना, ज़्यादा मत करना। तो वही मैं इसे बन ही कर देता हूँ। तो वही बन करके फिर आपको ऐसी सेटिंग करके इसे डन कर देना है। फिर आपको जाना है यहाँ पे एनिमेशन में। एनिमेशन में जाने के बाद आपको वाटर एनिमेशन, फायर एनिमेशन ऐसे बहुत सारे एनिमेशन बंद कर देना है। अगर आपका 4GB से कम रैम वाला PC है तो आपको सब कुछ ऑफ कर देना है यहाँ पे। और अगर आपका 4GB वाला है तो जो मैं कर रहा हूँ आप वो कर सकते हो, बिल्कुल पॉज करके यहाँ पे देख लो, आपको ये सारे ऑफ करने हैं अगर आपका 4GB वाला है। एंड अगर 4GB से कम है तो आपको सब कुछ ऑफ कर देना है, ठीक है। फिर आपको जाना है डिटेल में। एंड डिटेल में जाने के बाद आपको ये होगा तो आपका करना है
है डिटेल में, अगर आपका 4 से कम वाला रैम है तो आपको स्काई मून और ये फॉग को आपको कम कर लेना है। एंड अगर 4 GB वाला रैम है तो भाई आप मत करना भाई, कोई दिक्कत नहीं आपका भाई, बिना किसी दिक्कत के चलेगा, क्योंकि मैंने भाई 4 GB में खेला तो मैं ऐसे ही करता हूँ। लेकिन आपको व्यूवॉगिंग है ना, इसे आपको जरूर ऑफ कर लेना है, ठीक है। तो यही थी वो सारी सेटिंग, एंड आप देख सकते हो मेरे को भाई 30+ FPS इजिली मिल रहा है, 44 FPS तक जा रहा है। एंड मेरे को पता है मैंने आपसे कहा था कि 90+ FPS मिलेगा, तो भाई मैं आपको बता दूँ कि मेरे अभी रिकॉर्डिंग ऑन है जिससे मेरा FPS बहुत डाउन जा रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ जो कि मैंने रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद लिया था। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को 90+ FPS मिल रहा है, तो आपको भी ऐसे ही मिलेगा आपके PC में। PC चाहे 2 GB रैम वाला हो, 3 GB रैम वाला हो, या फिर 4 GB रैम वाला, अगर मैंने जो आपको सारे स्टेप्स बताए अगर आप उन स्टेप को वैसे ही करते हो तो आपको 100% माइनक्राफ्ट का लैग फिक्स हो जाएगा। बस भाई इस बार वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चाहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।